नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूटेक ईजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटेक ईजी में। तो देखिए दोस्तों, जो फोटोशॉप वाली मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने समझाया था कि ब्लर इफेक्ट क्या होता है और ब्लर इफेक्ट क्यों काम आता है, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि मोबाइल के डबल कैमरा का क्या यूज होता है। देखिए, आप सभी को फोटोशॉप चलाना नहीं जानते, ना ही सभी के पास पीसी कंप्यूटर होता है, और फोटोशॉप कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर है नहीं जो आसानी से आप सीख जाए। तो दोस्तों, उसके अलावा तो अब इस फीचर के लिए क्या आ रहा है, ब्लर के लिए एक नया फीचर आने लग गया है मोबाइल के अंदर, डबल कैमरा आने लगे। दूसरा कैमरा क्या करता है, आपके मोबाइल की जो पीसी है पीछे की, उसको जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर देता है और आपकी इमेज को स्मूथ कर देता है। जैसा कि मैंने फोटोशॉप वाली वीडियो में बताया था कि ब्लर का सीधा सीधा सिस्टम यही होता है कि ये बैकग्राउंड पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपकी स्क्रीन पर जो है पॉजिटिव इफेक्ट डाल देता है, मतलब आपकी स्क्रीन को तो स्मूथ कर देता है और आपकी जो पीछे वाला बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर देता है। यदि ब्लर के बारे में आप अच्छे से और ज्यादा डिटेल्स में समझना चाहते हैं कि क्या होता है ब्लर वगैरह, तो मैंने इसके लिए पहले से वीडियो बना दी है, नीचे आपको फोटोशॉप की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख लीजिए। अब मैं आपको मोबाइल से बताऊंगा कि यार, अब सभी के पास तो जो मोबाइल्स होते हैं उनमें डबल कैमरा होता नहीं, कि हमारे पास डबल कैमरा नहीं है, हम क्या करें, हम भी ऐसी तस्वीरें खींचना चाहते हैं जो रियल DSLR जैसी दिखाई दे, मतलब आपने इमेज खींची उसकी इतनी क्लियरिटी दिखाई दे कि वो DSLR से मैच हो और उसके जो कैमरा ब्लर इफेक्ट आए वो भी आए, मतलब आपकी स्किन स्मूथ हो और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी ब्लर हो और काफी इफेक्ट्स में आ जाए। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा ऐप जिसके जरिए आप ये सभी वर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे न्यूटेक ईजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में आएगा एक पास में छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूलिए, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उस ऐप का नाम है फेबी ऐप। चलिए प्ले स्टोर में चलकर मैं आपको दिखा देता हूं सर्च करके ही कि क्या होता है ये ऐप और इसकी रेटिंग्स वगैरह क्या है। तो चलिए देखिए दोस्तों, आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा ब्यूटी प्लस या फिर और कैमरेज देखे होंगे इस तरह के, तो उन कैमरों में क्या था कि वो ब्यूटी प्लस मतलब ब्यूटी को ही ऐड करती थी हमारी इमेज के अंदर, ब्यूटी को ऐड करती थी, बहुत ज्यादा ब्लरिंग कर देती थी या फिर बहुत ज्यादा ब्यूटी ऐड कर देती थी, जिससे इमेज बिल्कुल क्रिएटिव लगती थी, बहुत ही अच्छी नहीं लगती थी। और जब हम उसको या फिर प्रिंट वगैरह करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटी में आ जाती थी या फिर कटछाट उसमें हो जाती थी, क्योंकि उसमें हमारे जो चेहरे के या फिर जो स्किन के जो पिक्सल्स है वो बाहर निकल कर आने लग जाते हैं उन कैमरों में, कैमराज में, और कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सेल्फी के लिए होते हैं ज्यादातर। और सेल्फी भी देखिए, वो सिर्फ मोबाइल में चलने लायक होती है, यदि आप उसे बड़ी स्क्रीन पर करोगे तो वो नहीं चलने वाली है, वो पिक्सल्स फटने लग जाएंगे और आपकी इमेज खराब हो जाएगी। तो चलिए, ये वाला जो ऐप आप देख रहे होंगे इधर मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान में, तो ये वाला जो ऐप है इसको आप सिंपली ओपन कर लेना है, मैंने इंस्टॉल करना है आपको, तो सॉरी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सिंपली। यहाँ से देखिए, ओपन करने के बाद में देखिए इस तरह का कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये कुछ अलाउमेंट मांगेगा, मतलब आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो उसको आपको अलाउ कर देना है, मतलब पिक्चर्स लेने के लिए आपको इसको अलाउ करना है। और ये वेलकम टू फेबी, और इस तरह से आप चाहे तो इस पर साइन इन कर सकते हैं, वरना नीचे लिखा हुआ कंटिन्यू विदाउट साइन इन, तो मैं कंटिन्यू विदाउट साइन इन पर कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए, इस तरह से जो है सेल्फी वगैरह मेरी आ रही है और इस तरह से दिखाई दे रही है। चलिए इसको पीछे वाला जो चिन्ह है इसको पीछे वाला कैमरा कर देते हैं। चलिए मैं पीछे वाला कैमरा रहने देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास खींचने के लिए यहाँ पर ना ही तो कोई लाइट्स वगैरह का कोई स्पेशल सिस्टम हो, ना ही यहाँ पर मैं खींचूंगा तो यहाँ पर कोई इमेज जो है अच्छी नहीं आने वाली। मेरे से खींची हुई जो इमेजेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली, और मैं अपनी गैलरी में चल रहा हूँ और इससे खींची हुई जो इमेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो है मेरी बहुत सारी इमेजेस आपको है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो ब्लर, और ये फोटो ब्लर से निकल कर आई हुई है इस तरह से। देखिए ये वाली इमेज देखिए कितने DSLR टाइप में है, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्टनेस देख रहे होंगे आप इस इमेज में, तो ये आया है उससे, कैमरे से, ब्लर इफेक्ट से। आप देखिए दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, मैं जो ऐप का रिव्यू करता हूँ आपके सामने, हर जिन जिन ऐपों के बारे में आपको बताता हूँ, एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ, उन ऐप्स को मैं पहले एक या दो महीने तक यूज करके देखता हूँ, उसके बाद में आपके सामने लेकर आता हूँ कि वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। आप मुझ पर पूरा पूरा बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनको यूज करके देखता हूं पहले। यदि आप बाहर के बैकग्राउंड में जाकर इस कैमरे का यूज करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी लेता हूं, इसमें बहुत ज्यादा ब्लरिंग का सिस्टम आएगा, आपको डबल कैमरा की कोई जरूरत नहीं है, कोई दूसरा फोन परचेज करने की जरूरत नहीं है, केवल डबल कैमरे के लिए। डबल कैमरा सिर्फ ब्लर इफेक्ट डालता है आपकी स्क्रीन को, पॉजिटिव इफेक्ट, और बैकग्राउंड को नेगेटिव इफेक्ट। यदि ब्लर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने कहा कि आप फोटोशॉप वाला वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं शंकर फिर से मुलाकात करूंगा आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।